हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अगर आप इजाजत देते सुभान अल्लाह कह के तो दाग दूं, एक शेर दाग दूं। कितने हजरात है हाथ उठा के बताए जो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं? ये देखिए इतने हजरात नहीं सुनना चाहते हैं। जो हजरात सुनना चाहते हैं दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठा के बोले सुभान अल्लाह, एक मतलब लह के बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के नबी के नाम पे कहा सुभान अल्लाह, इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने नबी के नाम पे एक हाथ को उठाया इन सबको भी अल्लाह ताला इनके हाथों में कोई बीमारी कोई लकवा न दे, और जिन्होंने सुस्ती और काहिली में नहीं उठाया अगले साल बुलाइएगा तब दुआ करूंगा उनके लिए। अब एक शेर देखे हजरात के, मेहनत के बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, जिनको जिनको अपनी माँ से मोहब्बत हो बस वही शख्स इस शेर को सुभान अल्लाह कहे। जिन हजरात को अपनी सास से मोहब्बत हो वो खामोश रहे। मैं फैसला कर लूंगा कि कितने हजरात सास के चाहने वाले हैं और कितने हजरात अपनी माँ को चाहने वाले हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। मेहनत के बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, अरे दुनिया से कोई हसबे जरूरत नहीं मांगी, अरे ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी उनकी कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। एक शेर और पढ़ता हूँ जब तक इंशाल्लाह हमारे अशफाक बहराई जी इंशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। इनके पास बेहतरीन तरन्नुम है, क्लासिकल आवाज है, इनकी आवाज के अंदर सोज भी है, सास भी है, गुदाज भी है, पढ़ने का मुनफरिद एक अलग अंदाज भी है। इंशाल्लाह जब सुनेंगे घंटों पढ़ता है नबी की नात, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इनको बरसों याद रखेंगे। अब एक शेर समाप्त कर ले के महबूबे किबरिया की बदौलत खरीद ली मेरी खरीदारी देखे, महबूबे किबरिया की बदौलत खरीद ली, पढ़ पढ़ के नाग मैंने भी शोहरत खरीद ली। महबूबे किबरिया की बदौलत खरीद ली, अरे पढ़ पढ़ के नाथ मैंने भी शोहरत खरीद ली, अरे मैं अपनी माँ की पाँव दबाकर जो सो गया आवाज आई तुमने तो जन्नत खरीद ली। मैं अपनी माँ की पाँव दबाकर जो सो गया आवाज आई तुमने तो जन्नत खरीद ली। गोरा गुलाम दे दिया, आए हाय कुर्बान जाओ यार, गोरा गुलाम दे दिया काले को ले लिया, सिद्दीक ने बिलाल की सूरत खरीद ली। गोरा गुलाम दे दिया काले को ले लिया, सिद्दीक ने बिलाल की सूरत खरीद ली। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर साहब माइक तो ठीक है लेकिन आवाज खींच रहा है। कब किसका कत्ल हो जाए कोई जानता नहीं है। अगर इसमें थोड़ी सी कमी बेशी हो तो थोड़ा सा दूर कर देंगे तो बड़ी अनायत हो जाएगी, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मेरे शायर जितने हजरात हैं इनके बीवी वाले बच्चे आपको दुआ देंगे तो इंशाल्लाह आप और ज्यादा तरक्की कर जाएंगे, है कि नहीं? अब आइए अशफाक बहराइच जी को सुनना चाहते हैं, कितने हजरात मुझे बताएं। हमारे सैफ रजा कानपुरी और दीगर जो शोरा हजरात अभी तैयार हो रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द आने की। माशाल्लाह आ गए हैं सैफ रजा कानपुरी भाई। कानपुरी कानपुर एक सनती सरजमी है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान की धरतियां उन्हें झुककर सलाम करती है, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा शायर वहां पैदा हो गए हैं। सैफ रजा कानपुरी को मैंने बहुत बचपन में सुना है, लेकिन माशाल्लाह आज भी उसी तवानाई के साथ उसी कुव्वत के साथ माशाल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नबी की नात झूम झूम के पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह इनको सेहत कामिला आजिला मुस्तकबिल दाइमा अता फरमाए और नजरे बद से इनकी हिफाजत फरमाए। हमारे मेराज भाई कहाँ चले गए? मेराज भाई बस इस थोड़ी सी एक निजामत की झलक दिखा रहा हूँ, निजामत करना मुझे नहीं आता लेकिन अकाबरीन की जूतियों में मैंने बैठ कर जो कुछ सीखा है वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जायज वालों आपके दरमियान रख दूं। आइए मेरे दोस्तों, जिसके हवाले से मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना चाहता हूँ, अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जुद को नबी की शान में बोलता हूँ। इस तसलसुल को जब मैं तेज में बोलने लगूं मेरा हाथ जब यूं उठ जाए तो आप समझ जाइएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी को नोट नहीं बल्कि सुभान अल्लाह के भोंट की जरूरत है। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिएगा, अगर और अच्छा लगने लगे तो इंशाल्लाह इस जुमले का इस्तकबाल ये किसी और के शान में नहीं बल्कि आका इनामदार मदीने के ताजदार आमना के दूर यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में मैं बोल रहा हूँ। अगर हो सके तो आप खड़े होकर इसका इस्तकबाल कर लीजिएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उस जुमले से पहले ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जब अपने हबीब को पैदा किया रूए जमीन पर तो सर से लेकर
लेकर पाँव तक खूबियां ही खूबियां डाल दी, अलिफ से लेकर याद तक की खुसूसियात डाल दी। मैं आपको बताता चलूं, हजरत आमना कहती है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है अजब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना ये भी फरमाती है, मैं मक्के के गलियों में चलती हूँ, मैं अपने घर में चलती हूँ, मैं अपने मकान से निकलती हूँ, वो मन्नी मोहल्ला वो गली खुशबूदार नजर आता है। मेरे हजरत आमना ये भी फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे पेट में आया है, मैं सहेलियों के साथ कुएं में पानी लाने जाती हूँ तो कुएं का पानी उछल कर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इधर कहाँ से लगाई है? मक्का और मदीने के बड़े बड़े अमीर बड़े बड़े रईस ये इधर लगाते नहीं, लेकिन तेरा बदन इतना महकता क्यों है? हजरत आमना फरमाती है, अब्बा हुजूर जब से यह बच्चा मेरे पेट में आया है चांद सूरज सितारे ये सब तो अकीदत से सलाम करते ही है। मैं मक्के के गलियों में चलती हूँ, अपने घर में जो चलती हूँ उसका तो दूर की बात, मैं जहाँ जिस जमीन पे थूक देती हूँ अरे वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। कुरान का अंदाज देखे, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में नबी को अमीन बना दिया, अल्लाह ने बा लिखा कुरान में नबी को बशीर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में नबी को तनवीर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में नबी को साकिब बना दिया, अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में नबी को जमील बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में नबी को हलीम बना दिया, अल्लाह ने खा लिखा कुरान में नबी को खत्मुर रसूल बना दिया, अल्लाह ने दा लिखा कुरान में नबी को दाई बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में नबी को जाकिर बना दिया, अल्लाह ने रा लिखा कुरान में नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में नबी को जाहिद बना दिया, अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में नबी को सिराज मुनीरा बना दिया, अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने जाद लिखा कुरान में नबी को जामिन बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में नबी को तारिक व ताहिर बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में नबी को जामिन बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में नबी को हुजूर बना दिया, अल्लाह ने फा लिखा कुरान में नबी को फातिहुल मक्का बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में नबी को कवि बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में नबी को लईक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में नबी को मसीह बना दिया, अल्लाह ने नून लिखा कुरान में नबी को नजीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में नबी को वाइज बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में नबी को हादी बना दिया, अल्लाह ने या लिखा कुरान में नबी को यासीन बना दिया। ये मेरे नबी की शान है। मेरे दोस्तों, सारी दुनिया के दरख्तों का कलम बनाया जाए, सारी दुनिया के जितनी भी समंदर हैं उनकी स्याही बनाई जाए, मेरे आका के चेहरे अनवर तो दूर की बात, उनके जूते की तारीफ नहीं कर सकते, है कि नहीं? अब एक शेर समाप्त कर ले, इसी शेर की जंजीर के अंदर अशफाक बहराजी को जकड़ दूंगा, आपकी बेहतरीन समातों के सुपुर्द कर दूंगा। शेर देखे के सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, बोलिए सुभान अल्लाह, सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। अरे आपका चेहरे अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। मैं नहायत को एहतराम के साथ आपके चहीते शायर अशफाक बहराइची से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, अरे जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े, अरे शायद वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात, अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। कितनी खौफ खाती है
مدینے میں ہر بلا مدینے میں آمینہ کا رہتا ہے لاڈے لا مدینے میں آمینہ کا رہتا ہے بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ آمینہ کا رہتا ہے لاڈے لا مدینے میں لاڈے لا مدینے میں اب ایک شعر آپ تمام دیوانوں کی جانب سے پڑھتا ہوں بدر خاص نگاہ تک رہے کہ کہہ دو موج طوفان سے راستہ بدل ڈالے کہہ دو موج طوفان سے راستہ بدل ڈالے کہہ دو موج طوفان سے راستہ بدل ڈالے بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ بس سنتے رہیے اسی طرح انشاءاللہ میں حاضر کرتا ہوں ایک شعر اور پڑھتا ہوں بتائیے حاضر رہ جا کریں کہ مصطفیٰ کے شہدائے بیٹھے ہیں سفینے میں آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں اب ایک انوکھا شعر حاضر کرتا ہوں ڈھائی سال پہلے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں زلزلہ آیا اس زلزلے کو آپ ذہن میں رکھیں اور ایک شعر پڑھتا ہوں اگر واقعی میں سچا اور اچھا ہو تو آپ کی سچی اور اچھی دعائیں ملیں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ زلزلوں سے بچنا ہے ان کے شہر میں چلے زلزلوں سے بچنا ہے شہر میں چلے کہ زلزلوں سے بچنا ہے زلزلوں سے بچنا ہے ان کے شہر میں چلے ان کے شہر میں چلے یقین مانیے مسلسل ہم لوگ آج کل جتنے بھی شعرائے کرام ہیں
मुसलसल शब्बेदारी उनकी हो रही है, लेकिन ये माइक इतना खूबसूरत है कसम खुदा की, बस थोड़ी सी गड़बड़ी इसके अंदर है, या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं जैसा हम लोग चाहते हैं। माइक बहुत खूबसूरत लगाया है, बस थोड़ी सी गड़बड़ी है। आप हजरात दुआ करें कि ये सही हो जाए। अगर सही हो जाएगा तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कलाम हर शायर आपको सुनाएगा। एक बहुत सारे कलाम मैं सोच के आया था कि इंशाल्लाह ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक कलाम जो इस वक्त मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ, मैं वो हावी हूँ। कितने लोग इधर हाथ उठा के बता दें जो मदीना जाना चाहते हैं। अभी इतने मदीने जाने वाले सारे लोगों की जानिब से मैं मतला हाजिर करता हूँ, बतौर फासिला हाजिर करता हूँ। थोड़ा सा आप मेरा मूड बना दें पढ़ने का, इंशाल्लाह आप जितनी देर कहेंगे उतनी देर पढ़ूंगा। मुजाहिद भाई ने मुझे बताया है, बस थोड़ा सा मूड बना दे, मैं मतला हाजिर करता हूँ। लायदा करें मेरे खुदा मेराज भाई जहाँ भी होंगे, मेराज भाई मैं हाजिर करता हूँ। मुजाहिद भाई बहुत बहुत प्यारा खूबसूरत सा शेर हाजिर करता हूँ, लेकिन आपकी दुआएं चाहूंगा। ये जो लोग आगे मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ जो आगे ये लोग बैठे हैं, इनकी दुआएं चाहूंगा बतौर खास लहजा करें। मेरे खुदा मेरी आंखों की जिंदगी के लिए और रसूल पाक से जाकर सबा ये कह देना, रसूल पाक से जाकर सबा ये कह देना, कह देना रसूल पाक से जाकर सबा ये कह देना कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सेना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सेना, ये दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सेना, ये दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मानो सर तो क्या गम, नहीं मानो सर तो क्या गम, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जाने पे मदीना, तू ही जाने पे मदीना, तू ही जाने पे मदीना। रसूल पाक से जा कर सबा ये कह देना, मैं बेकरार हूँ तैबा के हाजिरे, मैं हाजिर करता हूँ, हाजिर करता हूँ। एक से बहुत खूबसूरत आपने सुना, बस इसी तरह आप अगर माहौल देंगे इंशाल्लाह
तो अच्छे कलाम आपको सुनने का मौका मिलेगा। मैं हाजिर करता हूँ, हाजिर करता हूँ शेर, पर रोक दीजिए थोड़ी देर, चाय रोक दीजिए थोड़ी देर, भैया चाय थोड़ी देर रोकिए, रोकिए मैं हाजिर करता हूँ दोस्तों, मुलायदा करेंगे। बोलिए सबाए कह देना के मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेंगे, मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना, नहीं मानो सर तो क्या गम, नहीं मानो सर तो क्या गम, मैं गरीब हूँ ये गीना, नहीं मानो सर तो क्या गम, मैं गरीब हूँ ये गीना, मेरे इश्क मुझको ले चल, तुम्हें जाने बे मदीना, तुम्हें जाने बे मदीना, तुम्हें जाने बे मदीना, आमीन आमीन आमीन। मैं हाजिर करता हूँ एक शेर इस नाते पाक का और हाजिर करता हूँ, और यकीन मानिए दोस्तों आज आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन इस शेर पर अगर आपने अमल कर लिया, जो शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो दुनिया और जहान की सारी कामयाबी आपको मिलेगी, मेरा वादा। मैं हाजिर करता हूँ शेर, बुलाया जा करें कि रसूल पाक से जा करे सबाए कहे देना, बेकरार हूँ दरबार के हाजिरी के लिए, और अंधेरे टिके नहीं सकते कि ये सनूर है, सदर मोहतरम साहब, अंधेरे टिके अंधेरे टिके नहीं सकते कि ऐसा नूर है, अंधेरे टिके नहीं सकते कि ऐसा नूर गए, कलाम पाक पढ़ो घर में रोशनी के लिए, कलाम पाक पढ़ो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, महादेव का कलाम में पाक पढ़ो गए मेरा रोशनी के लिए, मैं बेकरार हूँ तैबा के हाजिरी के लिए। दोस्तों इस नाते पाक का, इस नाते पाक का एक बहुत खूबसूरत सा शेर मैं हाजिर करता हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आए, मैं हाजिर करता हूँ लायदा करें कि ये आरज़ू ये बिल्कुल आवाज ही बंद कर देता है, क्या मसला है भैया, बिल्कुल मेरे दोस्त थोड़ा सा चालू कर दिया, देखिए इतनी करीब से मैं बोल रहा हूँ फिर भी हल्की आवाज, बाहर आवाज कम करिए, अब स्टेज से आवाज रहनी चाहिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, अगर बुलाया है हम लोगों को पढ़ने के लिए तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो भाई क्या मामला रहेगा, माइक सही करिए, आवाज़ थोड़ा बढ़ाइए इसकी, खोलिए आवाज़, हाजी बढ़ा दी गाय कि ये आरज़ू ये आरज़ू ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की, के रोजे के
अहमद इस तरह कुछ दिल में हो पैदा, नबी के चाहने वालों में मेरा नाम हो जाए। ना जुस्त जो ये दौलत ना शौक दिल हसीना, ना जुस्त जो ये दौलत ना शौक दिल हसीना, बस फिक्र है ये मुझको कब देखूं मैं मदीना, कब देखूं मैं मदीना। ना मालो दौलत दे रब ना सोने का खजीना, ना मालो दौलत दे रब ना सोने का खजीना, एक बूंद मुझको दे दे बस आशा का पसीना, बस आशा का पसीना। मेरी सांसें भी तो ले ले, मेरी सांसें भी तो ले ले, मेरा मुश्किल कर दे जीना, मेरी सांसें भी तो ले ले, मेरा मुश्किल कर दे जीना। मेरी किस्मत में तो लिख दे बस आपे जमजम पीना, बस आपे जमजम पीना, बस आपे जमजम पीना, बस आपे जमजम पीना। ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रो जिंदगी लगाओ खाक में आँखों में राशिदी के लिए लगा। मुजाहिद भाई वो माइक दे दीजिए। अरे पढ़ो भाई, पढ़िए पढ़िए। हां निकाल निकाल जो आ रहा है। हां नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, जरूरत नहीं इतनी ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, हो जाएगी। हां आप करते रहिए। अरे महादी बता महादी बता हम शेर बुला दिया करेंगे। रसूल ले पा से जा करे सदा ये कहे से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्बा एजेंसी सब्सक्राइब करें।